इसके बाद हम देखते हैं स्टेप थर्ड में हमको जो इन्फॉर्मेशन दी होती है, यहाँ पर हम कर एवं असाधारण मद से पूर्व संचालन क्रियाओं से उत्पन्न रोकड़ निर्धारण की कैलकुलेशन करते हैं और ऐसे कंडीशन में किन किन मदों को इसमें इंक्लूड किया जाता है और किन को हटा दिया जाता है, यानी क्या क्या ऐड और लेस किया जाता है, इसको हम बहुत अच्छे से एक फॉर्मेट के आधार पर समझते हैं। तो आइए इस थर्ड स्टेप के लिए हम कौन सा फॉर्मेट फॉलो करेंगे उसे देखें। कर एवं असाधारण मद से पूर्व संचालन क्रिया से उत्पन्न रोकड़ का निर्धारण। यहाँ पर हम चालन क्रियाओं के संबंध में पहले संचालन से नगदी की गणना करने के लिए वर्तमान में जो चालू संपत्ति है जैसे रोकड़ या रोकड़ के समान और चालू दायित्व जिसे बैंक अधिविकर्ष एवं नगद साख में परिवर्तन के लिए चरण दो में स्टेप टू में हमने जो फॉर्मेट देखा था वहां जो गणना की गई है उसमें हम कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के पूर्व संचालन लाभ को समायोजित कर देते हैं, जिसके लिए हम फॉर्मेट बनाते हैं कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के पूर्व संचालन लाभ चरण दो, इसकी अमाउंट हम लिखते हैं। कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के लिए हम समायोजन करते हैं, इसके अंतर्गत हम ऐड करते हैं चालू संपत्ति में कमी रोकड़ एवं रोकड़ समान छोड़कर, चालू दायित्व में वृद्धि बैंक अधिविकर्ष एवं नगद साख छोड़कर, इसमें हम माइनस करेंगे चालू संपत्तियों में वृद्धि रोकड़ एवं रोकड़ समान को छोड़कर, चालू दायित्वों में कमी बैंक अधिविकर्ष और नगद साख छोड़कर, और फिर जो बैलेंस हम प्राप्त करेंगे वो कहलाएगा संचालन से रोकड़ उत्पन्न। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इसके फोर्थ स्टेप में, जिसके अंतर्गत हमको देखना होता है कि असाधारण मद के पूर्व संचालन क्रियाओं से उत्पन्न रोकड़ क्या है। तो इसके अंतर्गत हम किन किन मदों को शामिल करते हैं, क्या एडजस्टमेंट करते हैं, क्या प्लस माइनस करते हैं, आइए एक प्रारूप के आधार पर इसको समझने का प्रयास करते हैं। असाधारण मद के पूर्व संचालन क्रियाओं से उत्पन्न रोकड़ का निर्धारण। कर के पहले संचालन क्रियाओं से उत्पन्न रोकड़ तीन स्टेप में असाधारण मदों को कर भुगतान के लिए समायोजित किया गया है और वर्ष में कर का भुगतान AS3 संशोधित नियम के अनुसार संचालन क्रियाओं से नगदी का बहिर्वाह यानी कि आउटफ्लो है और अगर चालू वर्ष में कोई आयकर की वापसी होती है तो इसे स्टेप थ्री में हम जोड़ देते हैं। आइए देखते हैं इसकी गणना हम किस प्रकार करते हैं। कर एवं असाधारण मदों से पूर्व संचालन से उत्पन्न रोकड़ चरण तीन यानी स्टेप थ्री में हमने जो फाइंड आउट किया था उसको हम यहाँ लिखेंगे, उसमें हम ऐड कर देंगे आयकर का भुगतान और लेस कर देंगे आयकर की वापसी और यह हमको प्राप्त हो जाएगा असाधारण मद के पूर्व रोकड़ प्रवाह। तो आपने देखा कि फोर्थ स्टेप में असाधारण मदों और उनके पूर्व संचालन क्रियाओं से उत्पन्न रोकड़ की गणना हम किस प्रकार करते हैं। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल करते हैं। निम्न चिट्ठों की जानकारी से संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। द फॉलोइंग वेयर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। विवरण पर्टिकुलर्स। करों के लिए प्रावधान प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹30,000 and for the year ended 31st March 2017, ₹40,000. Stock Mal Suchiyan, Inventories, for the year ended 31st March 2018, ₹65,000 and for the year ended 31st March 2017, ₹55,000. Vyaparik Praptiyan, Trade Receivables, for the year ended 31st March 2018, ₹1,40,000 and for the year ended 31st March 2017, ₹1,80,000. Vyaparik Deyataen, Trade Payables, for the year ended 31st March 2018, ₹90,000 and for the year ended 31st March 2017, ₹1,20,000. Purvadatt Bima, Prepaid Insurance, for the year ended 31st March 2018, ₹36,000 and for the year ended 31st March 2017, ₹50,000.
इस क्वेश्चन में हमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है यहाँ पर, और ये हम अगर हमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की कैलकुलेशन करनी है तो हमको सबसे पहले चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम की कैलकुलेशन के लिए हमको एक सेपरेट वर्किंग नोट तैयार करना होता है। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम की कैलकुलेशन करते हैं तो हमको सबसे पहले यहाँ पे लिखना होता है नेट प्रॉफिट, जो कि आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड अप्रोप्रिएशंस होता है। प्रश्न में हमको दिया गया है 3,20,000, तो 3,20,000 हम सबसे पहले यहाँ पर अमाउंट कॉलम में लिखेंगे और इसमें हमको ऐड करना होता है प्रोविजन फॉर टैक्स, जो कि प्रश्न में हमको यहाँ पर करेंट ईयर के लिए 2018 के लिए दिया गया है 30,000, इसको हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर सारे आइटम हमको 2018 के ही लेने हैं, ये हमको ध्यान में रखना है। तो ये टोटल हो जाता है 3,50,000 और इसमें हमको माइनस कर देना है जो क्लेम रिसीव होता है, क्लेम रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जिसे हम कहते हैं, ये जो कि 2018 के लिए हमको यहाँ पर 20,000 के अमाउंट दी गई है, इसको जब हम 3,50,000 की टोटल अमाउंट में से लेस कर देंगे तो बैलेंस हमको यहाँ पर मिल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम रुपीज 3,30,000। अब ये 3,30,000 का हमको बेस दे दिया गया है तो इसके बेस पे फिर हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की कैलकुलेशन कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम 3,30,000, और अब हम इसमें एडजस्ट करेंगे नॉन कॉस्ट एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की, बहुत सारे आइटम को हम इसमें ऐड करेंगे और बहुत सारे आइटम्स को हम इसमें लेस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कौन कौन से एसेट्स या लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर उसके पहले हमको दिखाई दे रहे हैं कुछ अदर आइटम, जैसे कि डेप्रिसिएशन हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। क्वेश्चन नंबर 5, खेतान लिमिटेड के निम्न सूचनाओं से संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय खेतान लिमिटेड। कर के बाद का लाभ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,60,000। आयकर का भुगतान इनकम टैक्स पेड रुपीज 70,000। प्लांट एवं मशीन पर हास डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी रुपीज 90,000। ख्याति का अपलेखन गुडविल अमोर्टाइज्ड रुपीज 20,000। फर्नीचर विक्रय पर लाभ गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 15,000। प्लांट के विक्रय पर हानि लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट रुपीज 20,000। अतिरिक्त सूचनाएं एडिशनल इंफॉर्मेशन स्टॉक इन्वेंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 2018 रुपीज 2,20,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2017 रुपीज 1,60,000। व्यापारिक प्राप्तियां ट्रेड रिसीवेबल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018 रुपीज 1,32,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2017 रुपीज 1,08,000। अदत्त वेतन आउटस्टैंडिंग सैलरीज फॉर द ईयर एंडेड 2018 रुपीज 18,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 2017 रुपीज 16,000। व्यापारिक देयताएं ट्रेड पेबल्स फॉर द ईयर एंडेड 2018 रुपीज 1,17,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 2017 रुपीज 1,00,000। यहाँ पर हमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनानी है और क्योंकि हमको इनडायरेक्ट मेथड से बनाना है तो यहाँ पर हमको एक्स्ट्रा वर्किंग नोट की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट हमारे पास जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया गया है उसके बेस पे हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए हमको यहाँ पर एक तो कर के बाद का जो लाभ दिया है 1,60,000 उसको हम यूज कर लेंगे और साथ में जो इसमें प्रॉफिट है आयकर के भुगतान के बारे में जो दिया गया, इनकम टैक्स पेड जो दिया गया उसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे।
तो टोटल हमारी जो 2,30,000 की अमाउंट हो जाएगी वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगी। अब इसमें हमको कुछ चीजें ऐड करनी है और कुछ चीजें लेस करनी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमको जो लॉसेस वाली जो पॉइंट थे वो हमको सब यहाँ पर ऐड करने हैं और जो गेन वाले पॉइंट थे वो हमको यहाँ पर लेस करनी है। तो लॉस वाले पॉइंट में हमको सबसे पहले यहाँ पर दिखाई दे रहा है नॉन कैश आइटम के अंतर्गत डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ये हम देख रहे हैं कि डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी दिया गया है 90,000, ये हम एड में लिख देंगे और इनर कॉलम में लिखेंगे। गुडविल अमोर्टाइज दिया गया है यहाँ पर 20,000, ये हम ऐड करेंगे और इनर कॉलम में लिखेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट दिया गया है 20,000, ये भी क्योंकि लॉस है इसलिए इसको भी हम ऐड करेंगे और इनर कॉलम में लिखेंगे। और टोटल 1,30,000 की जो अमाउंट है अब हम इसको आउटर कॉलम में ट्रांसफर कर देंगे। इस 1,30,000 को हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड कर देंगे तो ये हमारी अमाउंट आ जाएगी 3,60,000 की। और अब हम इसमें लेस करते हैं तो क्या क्या पॉइंट्स हमको यहाँ पर लेस के दिखाई दे रहे हैं। नॉन ट्रेडिंग इनकम में एक पॉइंट है यहाँ पर गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, जितने भी गेन होते हैं प्रॉफिट होते हैं सबको हम यहाँ पर लेस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको एक गेन दिखाई दे रहा है गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 15,000। तो ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्जेस ये हो जाएगा 3,45,000, जबकि हम 3,60,000 में 15,000 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3,45,000। अब हमको इसमें कुछ चीजें ऐड और लेस करनी है कैपिटल चार्जेस के बाद की जो चीजें होती हैं उसमें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो चीजें दो कंसेप्ट हमको यहाँ पर फॉलो करने होते हैं, लाइबिलिटी और करेंट एसेट्स, यानी करेंट लाइबिलिटी और करेंट एसेट्स से रिलेटेड। तो सबसे पहले यहाँ हमको देखना है कि कौन कौन से जो लाइबिलिटीज हैं वो इंक्रीज हो रही हैं और डिक्रीज हो रही हैं, दूसरी बात कौन कौन से एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं और कौन कौन से एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो इंक्रीज हो रही है, ये हमारी लाइबिलिटी है। और हमको एड में एक पॉइंट दिखाई दे रहा है कि हमारा जो ट्रेड पेबल है ये भी लाइबिलिटी है और ये भी हमको इंक्रीज होता दिखाई दे रहा है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो कि 2017 में 16,000 थी, 2018 में वो 18,000 हो गई, यानी कि 2,000 से इंक्रीज हो रही है। और ये ऐड का पॉइंट है क्योंकि जब भी कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होती है हम उसको यहाँ पे ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम ऐड वाले पोर्शन में लिखेंगे इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000, जितनी इंक्रीज हुई है इंक्रीमेंट की अमाउंट हमको लिखना है। एंड देन इंक्रीज इन ट्रेड पेबल हमको दिखाई दे रहा है जो कि 2017 में 1000 था, 2018 में 1,17,000 हो गया। तो यहाँ पर हमको इस लाइबिलिटी में 17,000 का इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है तो वो हम यहाँ पर लिख लेंगे एड पोर्शन में। और टोटल ये हो जाता है 2,000 एंड 17,000, 19,000 ये टोटल हो जाता है। और अब हम जो हमारी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्जेस था 3,45,000, इसमें हम इस 19,000 को ऐड कर देंगे तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 3,64,000। अब हम देखते हैं कि लेस हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो लेस में हम देख रहे हैं कि एक इन्वेंट्रीज है जो इंक्रीज हो रही है, एक ट्रेड रिसीवेबल है जो इंक्रीज हो रहा है और ये दोनों करंट एसेट्स हैं। और जब भी करंट एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो उनको हम लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज जो कि यहाँ हम देख रहे हैं कि 2017 में ये 1,60,000 का था और अब ये 2,20,000 का हो गया, यानी कि यहाँ पर हमको साफ साफ 60,000 का इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है। इस 60,000 के अमाउंट को हम इनर अमाउंट कॉलम में लिख लेंगे। फिर हमको यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल दिखाई दे रहा है जो कि 2017 में 1,08,000 का था और 2018 में 1,32,000 का हो गया। तो यहाँ पर हमको 24,000 का इंक्रीमेंट इस करंट एसेट्स में दिखाई दे रहा है जिसको कि हम इनर कॉलम में लिख लेंगे। और अब हम इसका टोटल करेंगे तो इन्वेंट्रीज थी 60,000 की, ट्रेड रिसीवेबल था 24,000 का, यानी टोटल लेस की जो अमाउंट है वो है 84,000।
तो 3,64,000 में हम 84,000 माइनस कर देंगे, यानी 2,80,000 ये हमको प्राप्त हो जाएगा। अगर किसी तरह का कोई इनकम टैक्स पे दिया हुआ है, इसके बारे में कोई जानकारी क्वेश्चन में दी गई है, तो उसको हमको यहाँ पे माइनस करना होता है। तो इनकम टैक्स पे को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, 70,000 की अमाउंट दी गई है। और अब जो हमारे पास बैलेंस बचता है 2,80,000 में से 70,000 को माइनस करने के बाद 2,10,000 का, ये हमारा हो जाएगा नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इकतीस मार्च 2018 को देनेवा लिमिटेड का लाभ हानि विवरण पत्र कर के पश्चात शुद्ध लाभ 1,60,000 रुपए दर्शाता है। निम्नलिखित जानकारी से संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ देनेवा लिमिटेड फॉर शो अ नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,60,000 आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। विवरण पर्टिकुलर, करों के लिए प्रावधान प्रोविजन फॉर टैक्स ₹22,000, प्रस्तावित लाभांश प्रपोज डिविडेंड ₹32,000, स्थायी संपत्तियों पर हास डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स ₹30,000, फर्नीचर के विक्रय पर लाभ गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ₹18,000, विनियोगों पर प्राप्त ब्याज इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट ₹4,000, पेटेंट के विक्रय पर लाभ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ पेटेंट ₹6,000, क्षतिपूर्ति के कारण बीमा दावा प्राप्त इंश्योरेंस रिसीव फॉर डैमेज ऑफ गुड्स ₹15,000, आयकर का भुगतान इनकम टैक्स पेड ₹24,000, आयकर की वापसी रिफंड ऑफ इनकम टैक्स ₹2,000। अतिरिक्त सूचनाएं एडिशनल इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर्स, व्यापारिक प्राप्तियां ट्रेड रिसीवेबल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017 ₹1,41,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 ₹1,52,000। पूर्व दत्त व्यय प्रीपेड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड 2017 ₹18,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 ₹10,000। व्यापारिक देयताएं ट्रेड पेबल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017 ₹47,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 ₹61,000। स्टॉक माल सूचियां इन्वेंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017 ₹88,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 ₹89,000। अदत्त व्यय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017 ₹23,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 ₹21,000। इस क्वेश्चन में हमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है। उसके पहले, क्योंकि हमको यहाँ पे बेस के लिए चाहिए नेट प्रॉफिट टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम, तो इसके लिए हम सबसे पहले वर्किंग नोट तैयार कर लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम। और नेट प्रॉफिट और इसके अंतर्गत सबसे पहले हमको लिखना है नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन एंड टैक्स, जो कि हमको क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से निकाल के दे दिया गया है 1,60,000। इसमें हमको ऐड करना है प्रोविजन फॉर टैक्स जो कि क्वेश्चन में दिया गया है 22,000। प्रपोज डिविडेंड हमको इसमें ऐड करना है, अगर क्वेश्चन में दिया है प्रपोज डिविडेंड तो यहाँ पर हम उसको ऐड करते हैं, अदरवाइज हम उसको नहीं करते कुछ। तो 32,000 का प्रपोज डिविडेंड यहाँ पर दिया गया है, उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, तो ये टोटल अमाउंट हमारी हो जाएगी 2,14,000। लेस क्या क्या करेंगे हम इसमें से,
एक तो रिफंड ऑफ टैक्स अगर दिया है क्वेश्चन में वो हमको लेस करना है, और अगर इंश्योरेंस रिसीव से रिलेटेड कोई टॉपिक कोई पॉइंट दिया है तो वो हमको यहाँ पे लेस करना है। तो यहाँ पर दिया गया है रिफंड ऑफ टैक्स क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ₹2000, ये हम यहाँ पर लेस कर देंगे, और साथ ही इंश्योरेंस रिसीव हम इसमें लेस कर देंगे 15,000। तो यहाँ पर जो हमारा बैलेंस आ जाएगा 1,97,000 का, ये हमारा हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब क्योंकि हमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का बेस मिल गया है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो तैयार करेंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो हमने कैलकुलेट किया है 1,97,000। इसमें हम बहुत से एडजस्टमेंट करते हैं जिन्हें हम कहते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो ये यहाँ पे हमको एक तो दिखाई दे रहा है, इसमें हमको ऐड क्या करना होता है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि जो लॉस टाइप के जो आइटम होते हैं वो ऐड हो जाते हैं और गेन टाइप के जो आइटम होते हैं वो लेस हो जाते हैं। तो एक हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स 30,000, लॉस एक प्रकार का, इसको हम ऐड कर देंगे 1,97,000 में। अभी हम सारी कैलकुलेशन इनर कॉलम में करते चलेंगे। तो जब हम 1,97,000 में 30,000 का डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 2,27,000। और देखते हैं गेनिंग आइटम कौन कौन से हैं। तो एक तो हमको यहाँ दिखाई दे रहा है गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ₹18,000, एंड हमको यहाँ दिखाई दे रहा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ पेटेंट ₹6,000, और एक पॉइंट हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। ये तीन गेनिंग आइटम थे, इन तीनों को हम यहाँ पर लेस कर देंगे 18,000, 6,000 एंड ₹4,000। तो ये हमारा जो बैलेंस हो जाएगा 1,99,000 का, ये हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब इसमें हम प्लस माइनस जो मदों को हम जोड़ते और घटाते हैं उनको हम यहाँ पर लिखेंगे, जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर कोई एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो हम उसको ऐड करेंगे, और अगर किसी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो हम उसको लेस करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही अगर कोई लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो हम उसको ऐड करेंगे, और अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो फिर हम उसको लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है सबसे पहले जो हम अतिरिक्त सूचना देखते हैं, इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं, उसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं कि ट्रेड रिसीवेबल दिया गया है। तो ट्रेड रिसीवेबल एक प्रकार से हमारे लिए करेंट एसेट्स है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो ट्रेड रिसीवेबल है 2017 में 1,41,000 का था, और 2018 में ये बढ़कर 1,52,000 का हो गया, यानी कि इसमें इंक्रीमेंट हुआ है 11,000 का। और क्योंकि ये हमारे लिए एसेट्स है और एसेट्स यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू रूल हम इसको यहाँ पे लेस करेंगे। तो यहाँ हम इसको लेस वाले कॉलम में लिख लेंगे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल ₹11,000, जो जितना इंक्रीज हुआ है केवल उतनी अमाउंट यहाँ पर हम लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सेकेंड जो आइटम है वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारे लिए करेंट एसेट्स है, और इसको हम देख रहे हैं कि 2017 में ये था 18,000 का, और 2018 में ये डिक्रीज होके 10,000 हो गया, यानी कि 8,000 का डिक्रीज इसमें हुआ है। और ये एक प्रकार से एसेट्स है, एसेट्स अगर डिक्रीज होता है तो हमने यहाँ पे देखा था कि जो भी एसेट्स डिक्रीज होते हैं उनको हम ऐड में लिखते हैं, तो ऐड कॉलम में हम इसको लिख देंगे डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, और डिक्रीज की जो अमाउंट है 8,000 वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर थर्ड जो पॉइंट है एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल हमारे लिए लायबिलिटी है, और लायबिलिटी को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2017 में जो 47,000 की थी 2018 में वो 61,000 की हो गई, यानी कि यहाँ पर ये जो लायबिलिटी है ये इंक्रीज हो रही है, और अगर कोई लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो फिर हम उसको ऐड में लिखते हैं। तो ऐड वाले पोर्शन में इसकी जो इंक्रीमेंट की अमाउंट है, डिफरेंस जो इन दोनों का आता है वो हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 14,000 का, केवल इस डिफरेंस को हम यहाँ पर ऐड कॉलम में लिखेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं इन्वेंट्रीज दी गई है। इन्वेंट्रीज कितने की है, 2017 में जो इन्वेंट्रीज 88,000 की थी वो 2018 में 89,000 की हो गई, यानी कि 1,000 का इंक्रीमेंट हुआ है इन्वेंट्रीज में। इन्वेंट्रीज यानी कि एसेट्स, करंट एसेट्स में। तो क्योंकि इंक्रीमेंट है इसलिए हम इसको लेस कर देंगे, और कितने का इंक्रीमेंट है, ओनली फॉर रुपीज 1,000, तो 1,000 के अमाउंट यहाँ पर हम लिख देंगे। लास्ट पॉइंट हम यहाँ पे देख रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग हमारे लिए लायबिलिटी होती है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2017 में 23,000 की थी, 2018 में 21,000 की हो गई, यानी कि 2,000 यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो हम उसको लेस कर देते हैं, और जितने से डिक्रीज हुई है उतनी अमाउंट ही हमको यहाँ पे लेस करनी है, यानी कि 2,000 रुपीज को हम लेस पोर्शन में लिख देंगे। अब जब हम ऐड और लेस पोर्शन की कैलकुलेशन करेंगे तो नेट हमको अमाउंट जो मिलेगी वो हो जाएगी 2,07,000, और इसको हम मान लेंगे नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स, क्योंकि ये बिफोर टैक्स है। अब हम बाकी चीजें इसमें अगर हम टैक्स रिलेटेड लेस कर देते हैं तो हमको नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टैक्स पे की अमाउंट दी गई है 24,000, इसको हम लेस कर दें 2,07,000 में, तो हमको यहाँ पर बैलेंस अमाउंट मिल जाएगी 1,83,000। और अगर रिफंड ऑफ टैक्स है तो वापस हम इसमें इसको ऐड कर देंगे। तो क्वेश्चन में हमने देखा था कि रिफंड ऑफ टैक्स भी है 2,000, इसको हम ऐड कर देते हैं तो ये हमारा बैलेंस हो जाता है 1,85,000 का। क्लेम से रिलेटेड भी पॉइंट दिया गया है कि क्लेम रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 15,000 के अमाउंट दी गई है, तो इसको हम यहाँ पर इसको भी ऐड कर देते हैं। 1,85,000 में 15,000 हम और ऐड कर देते हैं तो बैलेंस जो हमारे यहाँ पे टोटल आता है 2,00,000 का, ये हमारा हो जाएगा नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। निम्न जानकारी से संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। विवरण पर्टिकुलर्स, लाभ हानि विवरण के अनुसार शेष या आधिक्य, सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 रुपीज 1,30,000 and for the year ended 31st March 2017 rupees 1,20,000. Samanya Sanchay, General Reserve, for the year ended 31st March 2018 rupees 2,00,000 and for 31st March 2017 rupees 1,59,000. Karmachari Chhatipurti Kosh, Employees Compensation Reserve, for the year ended 31st March 2018 rupees 1,85,000 and for the year ended 31st March 2017 rupees 1,50,000. Purv Datt Kiraya prepaid rent for the year ended 31st March 2018 rupees 14,000 and for the year ended 2017 rupees 10,000. Trademark, for the year ended 31st March 2018 rupees 1,72,000 and for the year ended 2017 rupees 1,82,000. Adat Mazduri, outstanding wages, for the year ended 31st March 2018 rupees 17,000 and for the year ended 31st March 2017 rupees 15,000. Debtors, for the year ended 31st March 2018 rupees 80,000 and for the year ended 31st March 2017 rupees 1,27,000. Praptya bill, bills receivable for the year ended 31st March 2018 rupees 90,000 and for the year ended 31st March 2017 rupees 60,000. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की कैलकुलेशन हमको करनी है यहाँ पर, जिसके लिए हमको सबसे पहले चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहाँ पर जो
बैलेंस दिया गया है। सबसे पहले हम उस प्रॉफिट बैलेंस को लिख लें जो कि 2017 का 1,20,000 है और 2018 का 1,30,000 है। तो डिफरेंस हम यहाँ पर निकाल कर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे 10,000। अब इसमें हमको कुछ एडजस्टमेंट करने हैं, यानी कि कुछ चीजें प्लस करनी है, कुछ चीजें माइनस करनी है। लेकिन उसके पहले हम एडिशनल एडजस्टमेंट कर लें, जिसमें हम लॉस टाइप के जो आइटम होते हैं उनको प्लस और गेन टाइप के जो आइटम होते हैं उनको माइनस करते हैं, जिसमें हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व 2017 में 1,59,000 का था और 2018 में 2,00,000 का हो गया, यानी कि यहाँ पर इसमें इंक्रीमेंट हुआ है 41,000 का। ये हम एड में लिख लेंगे। एक हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये 31 मार्च 2017 को 1,50,000 का था और 18 में ये 1,85,000 का हो गया, यानी कि 35,000 का यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है। तो इस इंक्रीमेंट को यहाँ हम अमाउंट कॉलम में पहले लिखेंगे और उसके बाद इन दोनों पॉइंट को, जनरल रिजर्व के पॉइंट और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के पॉइंट को एड करके 76,000 को हम आउटर कॉलम में लिखेंगे और इसको हम 10,000 में ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्जेस 86,000। अब हम इसमें ऐड एंड लेस करेंगे तो देख रहे हैं ऐड में कौन कौन सा पॉइंट आ रहा है। यहाँ पर हम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का जो इंक्रीज और डिक्रीज का जो कंसेप्ट है अभी तक हम जो देखते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसमें ऐड और लेस करेंगे। तो हम देखते हैं कि डिक्रीज क्या क्या हो रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले जो ये हमको दिखाई दे रहे हैं प्रीपेड रेंट है, तो प्रीपेड रेंट जो है वो 17 में 10,000 था और 18 में ये 14,000 का हो गया। प्रीपेड रेंट एक प्रकार से हमारा करंट एसेट्स है और करंट एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो हमने पहले भी देखा कि इस कंडीशन में हम इसको एड में करते हैं। तो यहाँ पर हम दो पोर्शन अलग अलग कर लेंगे, एक ऐड का और दूसरा लेस का। सबसे पहले हम ऐड पोर्शन में यहां पर लिखेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स, और तो ये हम यहां पर देख रहे हैं कि ये करंट एसेट्स जो है प्रीपेड रेंट ये इंक्रीज हो रहा है और अगर कोई करंट एसेट्स इंक्रीज होता है तो उसको हम लेस में लिखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर इसको हम दो अलग अलग भाग में कर लेंगे, अलग अलग पार्ट कर लेंगे, एक ऐड का और लेस का। तो इस पॉइंट को हम लेस वाले पार्ट के फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे प्रीपेड रेंट, और इसकी वैल्यू हम देख रहे हैं कि कितना इंक्रीज हुआ है, केवल 4,000। तो 4,000 की जो अमाउंट है उसको हम इनर अमाउंट कॉलम में लिख लेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क है 1,82,000 का 2017 में और 2018 में ये हो गया 1,72,000 का, यानी यहाँ पर ट्रेडमार्क एक प्रकार का हमारा जो एसेट्स होता है उसमें ये डिक्रीज हुआ है और अगर कोई करंट एसेट डिक्रीज होता है तो उसको हम ऐड करते हैं। तो ये हमारा चला जाएगा ऐड पोर्शन में, जिसमें हम लिखेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स फर्स्ट पॉइंट ट्रेडमार्क और 10,000 इसको हम इनर कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस है। आउटस्टैंडिंग वेजेस 2017 में 15,000 का है और 2018 में 17,000 का हो गया, यानी कि 2,000 का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, इंक्रीमेंट हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है वो हमारे लिए करंट लायबिलिटी है और करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में हम इसको ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा ऐड के पोर्शन में चला जाएगा 2000 आउटस्टैंडिंग वेजेस और इनर कॉलम में हम इसको लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं डेटर्स। डेटर्स जो कि 2017 में 1,27,000 का था और ये 2018 में 80,000 का हो गया, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। डेटर हमारे लिए करंट एसेट्स है और करंट एसेट्स अगर डिक्रीज हो जाता है तो ये पॉइंट चला जाता है ऐड में। तो यहाँ हम लिखेंगे डेटर्स एड पोर्शन में और डिफरेंस कितने का आ रहा है, 47,000 का डिक्रीज है यहाँ पर, तो इसको हम लिखेंगे इनर कॉलम में। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल दिया गया है। बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए करंट एसेट्स है जो कि 2017 में 60,000 का था, 2018 में 90,000 का हो गया, यानी कि
30,000 से ये इंक्रीज हो रहा है। तो 30,000 से अगर ये इंक्रीज होता है तो ये एक प्रकार का करंट एसेट्स है, और करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होता है तो हमने देखा कि हम उसको लेस वाले कॉलम में लिखते हैं। तो 30,000 का जो इंक्रीमेंट है वो हम लेस में लिख लेंगे, बिल्स रिसीवेबल रुपीज 30,000 इनर कॉलम में। और अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लें, तो हमने 86,000 यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्ज फाइंड आउट किया था, इसमें हम ऐड का पोर्शन पहले ऐड करेंगे जो कि 57,000 और 2,000 यानी कि टोटल 59,000 है। तो ये हो जाएगा हमारा 1,45,000। और लेस में हमारे पास दो पॉइंट है, 4,000 एंड 30,000 यानी कि 34,000। तो ये हमारा हो जाएगा 1,11,000 यानी नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम फाइंड आउट कर लेंगे 1,11,000। फोर्थ स्टेप के बाद जो हमारा फिफ्थ स्टेप होता है उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि संचालन क्रियाओं से उत्पन्न शुद्ध रोकड़ प्रवाह प्रयुक्त का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो इस कंडीशन में हम असाधारण आय को प्लस करते हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी जाना कि असाधारण आय क्या है और असाधारण व्यय क्या है। तो अगर असाधारण आय दी है तो उसको हमको यहाँ पे प्लस करना है, लेकिन अगर असाधारण व्यय दिया हुआ है तो उसको हमको यहाँ पर माइनस करना है। और बाकी जो हमारा फॉर्मेट है वो सेम रहेगा, अभी हम जानेंगे कि क्या फॉर्मेट है, लेकिन ये हमको ध्यान में रखना है कि जो भी हमको प्राप्त होता है यहाँ पर उसको हम संचालन क्रियाओं से उत्पन्न शुद्ध रोकड़ प्रवाह मान लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह का फॉर्मेट हम इसमें यूज करेंगे। स्टेप 5, संचालन क्रियाओं से उत्पन्न शुद्ध रोकड़ प्रवाह या प्रयुक्त का निर्धारण करने के लिए। ऐसी स्थिति में संचालन क्रियाओं में असाधारण आय को जोड़ा जाता है तथा असाधारण व्यय को घटाया जाता है, उसके बाद आने वाली रकम को संचालन क्रियाओं से उत्पन्न शुद्ध रोकड़ प्रवाह मान लिया जाता है। इसकी गणना निम्न प्रकार से की जाती है। असाधारण मद के पूर्व रोकड़ प्रवाह स्टेप 4, इसके अमाउंट में हम ऐड करते हैं लाभ हानि विवरण में क्रेडिट की गई असाधारण आय, और इसमें हम माइनस करते हैं लाभ हानि विवरण में डेबिट किए गए असाधारण व्यय, और जो बैलेंस आता है उसको हम मान लेते हैं संचालन क्रियाओं से शुद्ध उत्पन्न रोकड़ प्रवाह या प्रयुक्त। तो आइए इस फिफ्थ स्टेप से रिलेटेड कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल करें। अनंत लिमिटेड का स्थिति विवरण इस प्रकार है, संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अनंत लिमिटेड कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पर्टिकुलर, फर्स्ट समता एवं दायित्व, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। फर्स्ट अंशधारी कोष, शेयर होल्डर्स फंड। ए अंश पूंजी, शेयर कैपिटल। बी संचय एवं आधिक्य, रिजर्व एंड सरप्लस। ए अंश पूंजी शेयर कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 रुपीज 5 लाख, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 रुपीज 5 लाख। बी संचय एवं आधिक्य, रिजर्व एंड सरप्लस 31 मार्च 2018 रुपीज 2 लाख, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 रुपीज 1,20,000। दूसरा गैर चालू दायित्व, नॉन करेंट लायबिलिटीज, दीर्घकालीन ऋण, लॉन्ग टर्म बोरोविंग 31 मार्च 2018 रुपीज 2,50,000, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 रुपीज 2 लाख। थर्ड चालू दायित्व, करंट लायबिलिटी। ए व्यापारिक देयताएं, ट्रेड पेबल्स। बी अन्य चालू दायित्व, अदर करंट लायबिलिटीज। व्यापारिक देयताएं 75,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड 70,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। अन्य चालू दायित्व, अदर करंट लायबिलिटीज for the year ended 31st March 2018 nil and for the year ended 31st March 2017 rupees 3000. Total
For the year ended 31st March 2018, ₹10,25,000, and for the year ended 31st March 2017, ₹8,93,000. Second, संपत्तियां, assets. पहला, गैर चालू संपत्तियां, non-current assets. दृश्य संपत्तियां, fixed assets, tangible assets. For the year ended 31st March 2018, ₹5,00,000. And for the year ended 31st March 2017, ₹4,00,000. Second, चालू संपत्ति, current assets, A, stock, माल या सूचियां, inventories, for the year ended 31st March 2018, ₹2,40,000. And for the year ended 31st March 2017, ₹2,00,000. B, व्यापारिक प्राप्तियां, trade receivable, for the year ended 31st March 2018, ₹2,00,000. And for the year ended 31st March 2017, ₹1,80,000. C. रोकड़ एवं रोकड़ समान, cash and cash equivalent. For the year ended 31st March 2018, ₹70,000. And for the year ended 31st March 2017, ₹90,000. अन्य चालू संपत्ति other current assets for the year ended 31st March 2018 ₹15,000 and for the year ended 31st March 2017 ₹23,000 total for 2018 ₹10,25,000 and for the year ended 31st March 2017 ₹8,93,000 Notes of account, particulars, दीर्घकालीन ऋण, long term borrowings, 8% debenture for the year ended 31st March 2018, ₹2,50,000 and for the year ended 31st March 2017, ₹2,00,000. अन्य चालू दायित्व, other current liabilities, अदत्त व outstanding expenses, 31st March 2018, nil and 31st March 2017 ₹6,000 Anya chalu sampattiyan other current assets prepaid expenses 15,000 for the year ended 31st March 2018 and 23,000 for the year ended 31st March 2017 ₹23,000 इस क्वेश्चन में हमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की कैलकुलेशन करनी है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमको दिया गया है 80,000 एडजस्टमेंट हमको करना है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम इसमें हमको एड करना है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 16,000 और लेस करने के कोई भी हमको इसमें प्रॉफिट रिलेटेड आइटम नहीं दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ हम निल लिख सकते हैं या कुछ भी नहीं लिखेंगे और ये जो हमको टोटल प्राप्त होता है यहाँ पर 80,000 प्लस 16,000 यानी 96,000 इसको हम मान लेंगे एडजस्टमेंट फॉर चार्जेस इन वर्किंग कैपिटल आइटम और फिर हम इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड और लेस करेंगे जैसे कि जो माइनस वाले पॉइंट है वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे और जो प्लस वाले पॉइंट है प्रॉफिट वाले जो पॉइंट है वो यहाँ पर लेस हो जाएंगे तो यहाँ हम एक पॉइंट देख रहे हैं डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस तो ये हमको यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंसेस पहले कितने थे 23,000 के और 18 में कितने के हो गए 15,000 के यानी कि 8,000 का हमको यहाँ पर डिक्रीज दिखाई दे रहा है करंट एसेट्स पे जिसको कि हम यहाँ पर एड में लिख देंगे डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस 8,000 और उसके बाद यहाँ पर हमको ट्रेड पेबल दिखाई दे रहा है जो कि 2017 में 70,000 का था और 2018 में 75,000 का हो गया यानी कि इसमें इंक्रीमेंट हुआ है 5,000 का तो उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल ₹5,000 और जब हम इसको टोटल करेंगे तो ये 96,000 जो कि अमाउंट थी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्जेस एडजस्टमेंट फॉर चार्ज इन वर्किंग कैपिटल आइटम इसमें 8,000 डिक्रीज प्रीपेड एक्सपेंसेस और इंक्रीज ट्रेड पेबल 5,000 के साथ 1,09,000 ये हो जाएगा
इसमें हम माइनस कर देंगे डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3000, इन्वेंट्रीज हमारे पास, क्योंकि हम यहाँ पे डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि पहले ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे वो थे 3000 और अब ये निल हो गए हैं, यानी कि पूरा का पूरा लॉस है, तो ये पूरा का पूरा 3000 यहाँ पर आ जाएगा डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में। उसके बाद हम देख रहे हैं इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज इंक्रीज हो रही है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमको इन्वेंट्रीज यहाँ पर दी गई है वो 2017 में 2 लाख की थी और 2018 में 2,40,000 की हो गई, यानी कि 40,000 की यहाँ पे इन्वेंट्रीज इंक्रीज हुई है, उसकी हम एंट्री कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक ट्रेड रिसीवेबल देख रहे हैं जो कि 2017 में 1,80,000 का था और 2018 में ये हो गया 2 लाख का, यानी यहाँ पर भी हमको 20,000 का इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल हमारे लिए करेंट एसेट्स है और करेंट एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये 20,000 हमारा यहाँ लेस में आ जाएगा। अब हम इसको टोटल करेंगे तो ये हमारा 96,000 का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्किंग कैपिटल चार्जेस था, इसमें जब हम प्लस के जो पॉइंट्स है जो मदे हैं उनको हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1,09,000 और लेस वाली जो मदे हैं उनको हम इसमें से लेस कर देंगे तो ये हमारा बैलेंस आ जाएगा ₹46,000 जो कि हो जाएगा हमारा नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।